नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय बाबा 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 सुनो चुप क्या बाबा बाबा कर रहा है तुमसे कितनी बार कहा है हजार बार कहा है पूजा करते समय बिल्कुल नहीं बुलाना ठीक पूजा करते समय चिल्लाता है बाबा 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 मैं क्या करूं जब भी बुलाता हूं या तो तुम पूजा करते रहते हो या गोटियां गिनते रहते हो चुप चुप कपूत कहीं का चल भाग यहां से मैं और कहां जाऊं जो गए थे वो फिर आ गए हैं फिर आ गए पाणु भाई आ गए हैं क्या कहा पाणु आया है हां जो लेके गया था खत्म हो गया होगा ना जाजा कह दे वो तो वो उसकी परछाई भी मेरे होटल में दिखाई नहीं देनी चाहिए हां नंगा करके कपड़े पहनाने आया है अरे तू यहां क्यों खड़ा जाता है दिखाऊं चल जा बड़ा आया किधर है परछाई पाणु भाई ए पाणु भाई हट कौन है बे तुम क्या सोच रहे हो क्या है बे बाबा ताला में पूजा कर रहे हैं बाबा ने कहा जब वो यहां है तो तू और तेरी परछाई नहीं दिखनी चाहिए तू जल्दी से यहां से चला जा अरे जाना क्या बक रहा है नहीं तो बाबा मुझे बहुत पीटेंगे पीटूंगा क्या तेरी पिटाई होगी अभी तुम्हें यहां पहले क्यों भेजा था ये अपनी परछाई लेकर जाएगा ना ये तो अकेला इसकी परछाई का है कौन से वक्त पैदा हुआ था रे गोबरा दिमाग में भूसा लेके पैदा हुआ है पैदा होने पर भी धिक्कार है किसके जन्म को धिक्कार है उदिना भाई किसका हो सकता है मेरा और मेरे परिवार का ये देखो शनि ग्रह कैसे आ बैठे इसके ऊपर अरे ये फिर कब आया आया है अरे जो बाकी बचा है उसे भी समेटने आया है गया था वापस तो आ गया ना ऐसे क्यों कह रहे हो ना मैंने कुछ लिया है ना ही खाया है देख लिया ठीक है अब चिल्लाने से क्या फायदा पाणु आ गया ना अब तो दुकान खोल दो ना ढाई दिन का प्यार मुझे नहीं चाहिए गंगा नहाने से भी मेरे पाप नहीं धुले बस गोबरा के लिए पान की दुकान खुलवा दूं उससे दो चार पैसे मिलेंगे वही बहुत हैं तो अब हम भात नहीं खाएंगे सिर्फ पान खाएंगे मजा आएगा देखो देखो भी गर्दन देखो ये दोनों मिलके कैसे मुझे खा रहे हैं दुकान खुला नहीं अभी पहले ही खाने की सोच रहा है दुकान चलेगी मेरी छोड़ो छोड़ो ये सब पाणु कह रहा है वो दुकान खोलेगा मैं जाके सबको बता देता हूँ हाँ बाबू तो ठीक है लेकिन सब्जी कहाँ मिलेगी इस समय माँ ने इस बारे में कद्दू तो रही भिंडी मिंडी से भेजी है और कहा दीदी को दे देना देखा इसकी माँ कितने अच्छे दिल की है और ये है बेईमान नंबर एक अच्छा जाओ सबको बोल देना आज से दिनू का होटल खुल गया हा? अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ ए गोबरा दीदी से जाके 5 किलो चावल ले आ मैं हनुमान जी की पूजा करने जा रहा हूँ हाँ। ए तू यहाँ क्यों बैठा है वो बेंच लगा और अंदर से बोर्ड लाकर बाहर जाके लगा चला चला हाँ जा रहा हूँ दीदी 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 कहाँ हो अरे कैसे आया 5 किलो चावल दे चावल क्यों चाहिए पाणु भाई आया है खाना बनाएगा विकर्तन भाई ने और बाबा ने कहा है तुझे भेजा किसने है बाबा ने तू जल्दी चावल दे खाना पकाना है अरे अरे वो बड़बोला पागल आखिर आया कब सुबह विकर्तन ने कहा वो खाना बनाएगा तू जल्दी चावल दे जल्दी ए, तू जाके अपने बाबा से बोल खुदा के ले जाए तेरे ऊपर मुझे भरोसा नहीं इस पे भरोसा नहीं है ये पाणु नहीं है गोबरा है इस पे भरोसा रखो मेरा तो तुम्हारे ऊपर से भी भरोसा उठ गया है आधी उम्र बीत गई और आधी रह गई है और कुछ ही दिनों की बात है फिर हरी बोलो दे दो चावल दे दो जाएगा ए जी ये पाणु फिर से क्यों आया है हा? क्या फिर से चोरी वोरी करने का इरादा है उसका घर में चावल नहीं है और ये होटल वोटल बंद नहीं नहीं मैं सबको बोल चुका हूँ विकर्तन से भी कह दिया है आने को दे दो उसे चावल दे दो अच्छा तुम जो कुछ ले रहे हो उसका कुछ हिसाब किताब भी रखते हो हा? पैसे की बात करते ही बोलते हो बाद में हिसाब करके दे दूंगा तुम्हें हिसाब की बात करते ही कहते हो लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे क्या करूं मैं ये बेहिसाब का व्यापार करके हमें फायदा क्या हो रहा है ये पाणु विकर्तन इन लोगों को खिलाने के लिए क्या
अरे तुम बूढ़े हो गए, लेकिन क्या आज तक तुमने मुझे सही सही हिसाब दिया है कभी? बनते हो होटल के मालिक। तुझे समझाओ तो तू समझती है कहाँ? ये लो, समझाओगी तो समझूंगी नहीं। यही दिक्कत है, इसीलिए तो पाणू बार बार दुकान बंद करके भाग जाता है। हाँ, बेकार में पैसा खर्च करके क्या फायदा हो रहा है हमें? अरे कांचे 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 कांचन, ऐसे ही एक दिन फायदा हो जाएगा और तू मालदार हो जाएगी। हाँ, अब ये नौटंकी छोड़ो। आज का मिला के मैं तुम्हें 35 किलो चावल दे चुकी हूँ। बाजार का जो भाव होता है वही भाव लगा के मुझे मेरी एक एक पाई देनी होगी। तुम्हें समझ गए कि नहीं? हिसाब करके बताओ कितना हुआ। गोबरा रुक, यहाँ चावल लेके आती हूँ। अरे मुझसे नौटंकी करते हैं, आ गए मुझसे नौटंकी करने वाले। 35 किलो अभी भाग है, 7 रुपया तो क्या कर? कुछ समझ क्यों दीना, सर झुकाए कहाँ जा रहे हो? नमस्कार मास्टर जी, नमस्कार। आयुष्मान भव। ये आप मुझे ऐसे न बुलाएं तो बड़ी कृपा होगी। आपके मुंह से दीना नाम अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। दीन बंधु बुलाइए, दिन कहने से भी चलेगा। अभी दिन कहाँ, अब तो रात हो रही है। रात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कैसे कुछ समझ आएगा, तेरे दिमाग में कुछ है? 8 दिन से तुम्हारी दुकान पे एक कौआ भी नहीं बोला। आस पड़ोस के दुकानदार कह रहे हैं कि पाणू ने दीना को अच्छा सबक सिखाया। मेरे कहने से तुम पढ़ लिख लेते तो क्या पाणू आज तुम्हें पट्टी पढ़ा पता? ये तो मुझसे भूल हो गई मास्टर जी, आप तो सब जानते ही है। इतना पुराना होटल है, कुछ हिसाब किताब ही नहीं। सब्जी वाला सब्जी देता है, पैसा ले जाता है, और सौदे वाला किराने के दुकान वाला सामान देता है, अपना पैसा ले जाता है। कभी कभी अगर मांस मछली बनती है तो वो अपना पैसा ले जाता है, और पाणु उसकी माँ आके पैसे ले जाती है। हाँ, और वो तुम्हारा दूसरा लड़का, छोटा लड़का गोबरा। हाँ, अरे तनख्वाह पीना खाना पीना। है वो छोटा लड़का और तू? हाँ, दोनों एक जैसे ही हो। उसे भी नहीं मिलता, तुझे भी नहीं मिलता। अच्छा धंधा कर रहा है, क्यों तुझे क्या परेशानी है? नहीं, पैसे को लेकर पाणू के साथ उस दिन कुछ कहां सुनी होगी। हाँ, सुबह दिखा तो होटल खाली, पाणू गायब। 8 दिन बंद रहा, आज ही खोला है। मालिक तू, पैसा रखता है तू, उसका पैसे से क्या संबंध? नहीं, खरीदारी वही करता है ना, इसीलिए मुझ पे शक होता है। वो चोरी करता है क्या? ऐसा लगता है, लेकिन कभी पकड़ाया नहीं। तुम बाजार क्यों नहीं जाते? आपको तो सब कुछ पता है। हाँ, आपसे छिपा के क्या फायदा? हाँ, बाजार वाले ठगेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना। पाणु इधर घर में ठग रहा है। बाजार में ठगे जाने से घर में ठगे जाने पर इज्जत बच जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती रे दीना? इसलिए तू मुझे कह रहा था कि मुझे दीन बंधु बुलाओ, दीन बुलाओ। छी 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 छी। अब मैं क्या करूं मास्टर जी? तू कुछ नहीं कर सकता रे दीना, तेरे अपने बाल बच्चे तो हैं नहीं। तेरी अनपढ़ता के कारण तुम्हारी मेहनत से कमाई संपत्ति को ये लोग लूट लूट के खा जाएंगे। तू भीख मांगेगा दीना, तेरे घर में भूत भटकेंगे। क्या सोच रहा है? मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, अब अगर सावधान न हुआ तो बाद में मुझे याद करेगा। अच्छा मैं चलता हूँ भाई, उधर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तू जा। अब सावधान होकर क्या होगा? क्या इस उम्र में कंधे पे बस्ता लटका के स्कूल जाऊं मैं? लोग क्या कहेंगे? सुन, सब्जी खत्म हो गई, चावल बचा है, थोड़ा कुछ डाल देना यार। थोड़ा बड़ा कुछ नहीं, जो लेना है कुल लो। हाँ सुन पाणु, खाने के बीच में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर। हाँ। तेरे पास अगर पैसे नहीं है तो खाना क्यों खा रहा है? जा हाथ धो ले। क्या इस चावल के पैसे तू वापस करेगा? मेरे पैसे की बात नहीं है, बाबा ने कहा है कि पैसे नहीं है तो खाना नहीं। अरे क्या बकबक कर रहा है? मुझे कहा है ना। कहा है मुझे? तो पाणु कुछ नहीं दोगे क्या? तुम हमारे बाबा का हिसाब किताब नहीं जानते। हाफ हाफ कुछ नहीं, जो लेना है फुल। मैं क्या नहीं जानता? अरे ये लड़के। हाँ। सुन, नंद की दुकान पे जाना और मेरे नाम से 2 पाने लेना, जा। पाणु भाई जाऊँ क्या? जाना तो जा, मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ। पाणु,
क्यों रे, बाबा तो अभी आए नहीं, अपनी तरफ से ही थोड़ा सा डाल देना यार। अरे देना होता तो पहले ही दे देता, मेरा पिछला 21 रुपया वापस करो फिर देता हूँ। आज 20 दिन हो गया रे, 6 रुपए के खाने में क्या पेट भरता है? मुझे मालूम है सिर्फ तेरे रहते ही मैं भरपेट खाना खा सकता हूँ। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, मैं जितना भी धर्म करूँ तुम लोग सब पापी हो। तुम्हारी कसम, अन्न छू के बोल रहा हूँ, इस बार पगार मिलते ही पहले तुम्हारे पैसे दूंगा, बाद में बाबा का हिसाब देखूंगा। पक्का? तो हाँ, इधर आजरा, बाबा आ जाएंगे, कान इधर लाना। हाँ बोलो। पिछले 8 दिन से दुकान बंद थी। मेरा जो पिछला हिसाब किताब था वो बाबा को याद नहीं होगा, तू अगर जो थोड़ा चाहेगा जो लेना है ले लेना। जो रे पाड़ो, यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, कौन खा रहा है, ये या तू? नहीं, चावल में कुछ कंकर था, वही बुला के दिखा रहा था, खरीदा हुआ चावल है। हाँ खरीदा हुआ है, खरीद के दिया था। क्यों खाना खा लिया क्या, अभी शुरू कर रहा है? नहीं अभी खाना शुरू कर रहा हूँ। ए पानू, जा जल्दी से दाल सब्जी लेके आ जा, मेरे दफ्तर का समय हो रहा है। अरे चेतन, होटल बंद होने से पहले तेरा कितना बकाया था? मुझे याद कहाँ है बाबा, तुम ही हिसाब लगा लो जितना भी है। कितना हुआ बाबा? रोक, हिसाब कर रहा था बीच में टोक दिया। बाबा बाबा, तुम्हारे गोबरा को सांड ने मार दिया, चल चलो। अरे अरे पाड़ू, दुकान पर ध्यान देना, पता नहीं क्या होगा उसको। तुम्हारा जो भी बकाया है शाम को जब बाबा पुराण पढ़ने जाएंगे तब आना, सब बराबर कर दूंगा। हाँ। पाड़ू तूने मुझे बचा लिया। तू बच गया रे कोबरा, पर तू होटल छोड़कर यहाँ क्यों आया? स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेल रहा था? अरे तू हमेशा स्कूल के बच्चों के साथ क्यों खेलता रहता है? सांडी मारा कैसे? मैं आपके लिए गोबर उठा रहा था, पीछे से सांड ने सिंह मार दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 चल, उठ उठ उठ। संभाल के चल, चल 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 चल, आ जा आ जा, संभाल के बेटा आ जा। अच्छा भाई अब आप जाइए, मैं इसको ले जाऊंगा, चल 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 चल। हाँ चल, अरे हे जब मार दिया तो क्या कर सकते हैं। अरे सो जा, हाँ सो जा। और इतना चिल्ला क्यों रहा है, जस सो जा। अरे इसमें गोटियां कैसे कम हो गई? चेतन चेतन कब गया? चेतन के जाते वक्त तुम यहाँ थे ना? था। तो फिर इसमें से गोटियां कैसे कम हो गई? जितनी थी उतनी होगी ना। उसने तो पहले के भी पैसे नहीं दिए हैं। दिया होगा। दिया होगा? तू कैसे जानता है? दिया होगा बोला, दे दिया थोड़े बोला। हाँ। तू जो भी कहे पाड़ू, चेतन जाते हुए गोटियां जरूर ले गया है। ग्राहक के बारे में ऐसे थोड़ी कहते हैं, आप गोटियों से हिसाब लगाते हैं, ये उसको क्या पता। रहने दे रहने दे, मुझे मत सिखा, मेरा सर चकरा रहा है, एक ग्लास पानी लेके आ जा। आखिर सांड भी मेरे लिए दुश्मन बनी गया। दीन बंधु बाबू है? हाँ। मनी ऑर्डर आया है। हा? ये बेवक्त पैसा किसने भेजा है? पढ़ लो, किसने भेजा है पता चल जाएगा। क्या पढ़ूं? वो मेरा साला बोल रहा था कि भेजूंगा, उसी ने शायद भेजा होगा। भैया वो पहले वाले डाकिया कहाँ गए?
वो उनका था तो बादला हो गया। उनकी जगह पर 5 दिन हुए मैं आया हूँ। लो यहाँ दस्तखत कर दो। देखा पानो, तूने 8 दिन दुकान क्या बंद की? दुनिया इधर की उधर हो गई। पुराने डाकिया मुझे जानते थे और मैं उनको जानता था, और तुम तो नए हो ना, और मैं आपको क्या बताऊं, अंगूठा लगा दूं क्या? भैया आप इतने बड़े होटल के मालिक हो, जिससे पूछो सभी लोग आपका नाम जानते हैं, हैं? इस इलाके में इतने नामी आदमी होकर भी आखिर अंगूठा छाप? डाकिया बाबू, आप आज यहाँ खाना खाएंगे? हाँ, तुम्हारे गांव में और कोई सुविधा तो है नहीं। हाँ। खाऊंगा लेकिन कल से। अच्छा ठीक हाँ, हाँ, है हाँ? चलता हूँ मैं। हाँ, हाँ। बाबा अरे आ जाओ पधारो। अरे किसी ने महीने भर की पेमेंट की है क्या? अरे नहीं भाई, साले ने पैसा भेजा था, डाकिया देकर गया है। अस्पताल बंद हो गया क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं, बंद क्यों होगा, मुझे जल्दी से खाना खा के गांव जाना है। गांव जाओगे? हाँ, माँ की तबीयत खराब है, खबर आई है। परेशानी हो गई भाई। क्यों? हमारे घर में रामायण का पाठ कौन करेगा? क्यों, पानू पढ़ेगा? पानू रामायण पढ़ेगा? कहाँ तुम, कहाँ पानू? क्यों, एक अध्याय नहीं पढ़ पाएगा? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद साधु जन मन लगा के सुनो, अशोक वाटिका में जाके वीर हनुमान उस वन की नाना प्रकार की शोभा, सब उपवन हर प्रकार की शोभा देखे वीर हनुमान। जय सियाराम। जय सियाराम। नाना प्रकार के फल वृक्ष भरे हुए हैं और सदा सर्वदा बसंत बहती रहती है। नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाट और झरने की कलकल नाद को सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के नंदन वन में पहुंच गए हैं और फूलों का सुगंध ग्रहण कर रहे हैं। पवन पुत्र उसके बाद माता सीता को ढूंढने की शुरुआत की। पवन पुत्र छोटा रूप धारण करके उसी अशोक वाटिका में विराट अशोक वृक्ष पर जा बैठे और श्री राम का नाम स्मरण किया हनुमान जी ने। रामचंद्र जी के चरण कमल को ध्यान करके तुलसीदास जी अपने दोहे में कहते हैं, हनुमान के द्वारा अशोक वाटिका का ध्वंस हो गया। ज्ञान की देवी से विदाई लेके कुछ दूर जाने के बाद वीर हनुमान। ए, पाड़ो, रुक 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 रुक, ऐसे कैसे पढ़ रहा है तू? कैसे पढ़ा? आधी अंत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आपको समझ में आया कुछ? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पाड़ो, किताब में जो लिखा है वही पढ़ रहा है, अपने मन से कर रहा है? जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ ना, जिसको शंका हो आके देख ले किताब। अरे हमें देखना आता तो तुम्हें क्यों बुलाते? तो फिर चुपचाप बैठो, ये खत्म करके मुझे चूल्हा भी जलाना है। चूल्हा जलाना है? होटल मेरा है, चूल्हा कब जलेगा बुझेगा सब मेरे हुकुम से। इसका मतलब ये नहीं कि तू पाठ उल्टा सुटा पढ़ दे। मेरे ऊपर क्यों गुस्सा रहा है? जिसने किताब लिखी है उसे जाके पूछो। उससे क्यों पूछूं? किसी से क्यों पूछूं? बचपन से हम रामलीला देखते आए हैं, भूल गए क्या? अशोक वाटिका में घुसते ही वाटिका को ध्वंस कर दिया। मैंने नहीं, हनुमान ने। चुप, मुंह पे जवाब दे रहा बेशर्म कहीं का। क्यों विकर्तने से पाठ कराने के लिए बोला? क्यों मैंने इसे रामायण पाठ के लिए बुलाया? क्यों हम सब इसे रामायण पाठ सुन रहे इतनी देर से? अब हम क्या करें हरि भैया? आज अगर पाठ ना होता तो अच्छा ना होता, और अब जो अपराध हो गया है उसे सर पे कौन लेगा? सच कहते हो भैया, ये हनुमान जी हैं। जो भी कहो तुम, महावीर जी एक बार गुस्सा होगा तो शांत करना असंभव है। किसको पता था ये झूठा सबको एक साथ ठग लेगा? जो होना है वही होगा। क्यों रे, तू बैठा क्यों है? रामायण पाठ रहने दे, होटल को जा। अरे जा, चूल्हा जला दूं? खाली चूल्हा ही नहीं, पूरे होटल में आग लगा दे और मुझे उसमें झोंक दे। अरे जा, अरे जाता है कि नहीं? जा रहा हूँ, मैं तो मना कर रहा था, मुझे जबरदस्ती तुम ही लोग लेके आए हो। अरे आप लोग काहे बैठे हुए हैं? आप लोग जाइए, जो अनर्थ हुआ सो हुआ, जो किस्मत में है वही भोगूंगा। प्रभु, प्रभु,
प्रभु 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 अपराध हुआ है प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मूर्ख, अनार्य, अति मूर्ख, पाणु के हाथ में पुराण दिया किसने? विकर्तन ने कहा था। तूने खुद क्यों नहीं पढ़ा? इतने लोग थे, किसी और को कहते? सब मेरे जैसे अनपढ़ है प्रभु। गांव में सबके सब अनपढ़ है, तुम सब डूब कर मर क्यों नहीं जाते? इसीलिए तो पाणु को बुलाया था प्रभु। चुप रहो मूर्ख, पाणु के कारण तूने मेरे क्रोध को तेजित किया। ये गदा देख रहे हो, एक ही प्रहार में धराशायी हो जाओगे। मुझे बस मारिए प्रभु, मैं मर जाऊंगा। बाल बच्चे नहीं हैं, मेरी पत्नी बेसहारा हो जाएगी। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा। तो सुन, इस घर में रामायण का पाठ तब तक दोबारा नहीं होगा जब तक कि तुम खुद नहीं पढ़ते। प्रभु इतना बड़ा श्राप मत दीजिए मुझे प्रभु। श्राप नहीं मूर्ख, ये तो आशीर्वाद है। बाकी का जीवन आराम से बिताओगे। गिनती भी नहीं आती, गोटियों से हिसाब करता हूँ। पुराण पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा प्रभु? सुबह होते ही बूढ़े मास्टर जी के घर जाना। उस दुष्ट पाणु को नष्ट करने के लिए वो बूढ़ा मास्टर ही तुम्हें अस्त्र देगा। और कल सुबह अगर तुम नहीं गए तो याद रखो, रात को फिर आऊंगा और अपनी सारी शक्तियाँ प्रयोग करके तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? किसने मारा? किसने मारा? बताएं, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। हाय, मैं मर गई इतनी रात को, किसको बुलाऊं मैं? अरे सुनो तो सही, सुनो। अरे सुनो ना, अरे सुनो, मैं हूँ, मैं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, कितना कितना पसीना आ गया। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसी पाणु के कारण ये हाल हुआ है। हैं? इतनी रात को पाणु कहाँ से आ गया? सपना देखा था। आग लगे तुम्हारे इस होटल के काम को। अरे उतना नाम तो तुम भगवान का भी नहीं लेते हो जितना उस नाच पीटे मर्दूत पाणु का लेते हो रात दिन। आज दिन होटल बंद रहा तो जरा चैन था, शांति थी। कल सुबह उस पाणु को निकाल बाहर करो। हाँ निकाल देता, लेकिन कोबरा बेवकूफ है, पाणु चालाक है, जानता है धंधा कैसे करना है, समझता है। अचानक उसे निकाल दूं तो चलने तो कुछ दिन ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से बेकार में ग्राहकों को दिक्कत हो जाएगी, सब कुछ देखना पड़ता है ना कंचन। ये सब चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है। घर से चावल जाता रहता है इसलिए पाणु वहाँ मौज उड़ाता रहता है। कल से चावल जाना बंद, होटल बंद। चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अरे गोबरा कहाँ गया रे? मुझे पता नहीं, मैं सोया था, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, आग जला, मैं देखता हूँ कहाँ गया। का का खा खा गा गा घा घा। मास्टर जी नमस्ते। अरे दीन बंधु, इस वक्त सूरज आज पश्चिम से कैसे निकला? गोबरा स्कूल की तरफ आया था क्या? हाँ आया था, अभी खेल रहा था अंदर है। गोबरा, ए गोबरा। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं जाते समय ले जाऊंगा। अरे तुम तो उसे ढूंढने ही आए थे ना, या और कोई काम था? मन ठीक नहीं है, कल रात को एक सपना देखा था इसीलिए घर में अशांति है। क्या सपना देखा था? पाणु को बुला के कल रामायण का पाठ करवा रहा था, उसने सब उल्टा पुल्टा पढ़कर सुना दिया। सब लोग मुझे धुतकार कर चले गए। रात में प्रभु महावीर जी आके मुझे धमका के गदा से मारे। आप हंस रहे मास्टर जी, आपके लिए मजाक हो सकता है लेकिन मेरे लिए क्या का पता है। हाँ। सुबह होते ही बूढ़े मास्टर जी के पास जाना, तुम वही तुम्हारे रास्ता दिखाएंगे। मैं तो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ लेकिन तू ही उल्टा चलता है। अब क्या होगा मास्टर जी,
उन्होंने कहा है वो रात को फिर आएंगे। हाँ, अब जाके तो सही रास्ते पे आया है। वो हनुमान जी नहीं रे मूर्ख, वो तेरा अज्ञानता का भय है। जिसने हनुमान जी का रूप धरा दो अक्षर नहीं पढ़ता, इसलिए तू इतना हीन महसूस कर रहा है। शर्म के मारे बाजार नहीं जा पाते, हंस के दो बात नहीं कर पाते, शिक्षक समाज में बैठ नहीं पाते, अपने आप को छोटा महसूस करके सबसे कटे रहते हो। क्या इसी दिन के लिए पैदा हुए थे तुम? दूसरे लोगों से ठगे जाने के लिए, लोगों से छीछी सुनने के लिए? क्या जन्म है ये, क्या जीवन है ये? निरर्थक जीवन है, जीना मरना बराबर है। तो फिर मास्टर जी? जी जी कुछ नहीं, पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, तुम अब भी पढ़ सकते हो, आज से तुम्हारी पढ़ाई आरंभ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उन बच्चों के साथ मैं अब... ये लोग अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, तू अपने स्कूल में पढ़ेगा। मेरा स्कूल? अरे हमारे गांव के साक्षरता केंद्र में रोज शाम को पढ़ाई होती है, उसी केंद्र में पढ़ेगा तू। मैं चलता हूँ मास्टर जी। गोबरा को ले जाओ। नहीं मास्टर जी, रहने तो, जहाँ लोग जान बूझ कर नहीं आते हैं भगवान जाने में ही आ गया। अनाथ बच्चा है वो, पढ़ाई ही अब उसका सब कुछ है। नहीं मास्टर जी, अब मैं उसे अनाथ नहीं रहने दूंगा। गोबरा पढ़ाई करेगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, हम दोनों पढ़ेंगे। वो अपने स्कूल में पढ़ेगा, मैं अपने स्कूल में पढ़ूंगा। छोटा मेरा घर, छोटा मेरा घर, छोटा परिवार, छोटा परिवार, छोटा मेरा घर, छोटा मेरा घर, छोटा परिवार, छोटा परिवार। अरे दीनो बंधु आप बैठिए, लीजिए लीजिए आपकी किताब। पढ़ लिया? कब पढ़ा तुमने? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तू हर रोज पूछती थी ना कि शाम को मैं कहाँ जाता हूँ, अब देख इसमें जो कुछ भी लिखा है सब पढ़ सकता हूँ। अब पाड़ो हमसे कुछ झूठ नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, अब हिसाब करने का झमेला खत्म हो गया। सुनो अब उस पानी को भगा दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। भगा दो? अब तो गोबरा का काम भी वही करेगा। तो गोबरा, तुम गोबरा को निकाल दोगे क्या? अभी देख उसे भगाता हूँ या रखता हूँ, अभी देख। गोबरा, ए गोबरा। जी? इधर आ। क्या? तेरी दीदी को बता स्कूल में क्या क्या पढ़ा है बेटा। दीदी सुना? हाँ सुना। दिल्ली आई चूहा भागा मोर नाचा आम बग आम तो पक गए हैं, खा ले। चुप, आज समय खाना है। जी आपने इतना पढ़ा, गोबरा ने इतना पढ़ा, मुझे नहीं पढ़ाएंगे क्या आप? तुम्हें किस बात की चिंता है कच 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 कांचन? आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हमारे केंद्र के मास्टर जी ने क्या कहा पता है? पता है? कहा है एक पढ़ाएगा
दूसरे को साक्षर करेगा अपने अपने गांव को। एक एक करके करोड़ बनेंगे, निरक्षरता को देश से भगाएंगे। हरी बोल।